ना कहूं अब की ना कहूं तब की बात कहूं मैं जब की। अगर ना होते गुरु गोबिंद सिंह तो सुन्नत होती सब की। ऐसे दीन दयाल सतगुरु दे मुबारक दिहाड़े नूं समर्पित खालसा सरजना दिवस नूं समर्पित हर साल की तरह ही पूरे अमेरिका तो आईया हुई सिख संगत कैनेडा तो आए हुए गुरु के प्यार वाले वीर भैणा बच्चिया मतावान सारे ही आप रल मिल करके महान नगर कीर्तन में शमूलीयत करके अपनी आने वाली जिंदगी सवारन का यतन कर रहे हैं। कुछ समा खालसा सरजना दिवस के संबंध थोड़े नाल विचार सांझे करने ने। उस तो पहला आओ गुरु फतेह की सांझ पा लीए कोई रसना वांझी ना रहे सरबत संगत प्यार आओ ते गज के गजाओ जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। तुसी बड़ा प्यार सत्कार दे रहे हो। सब तो पहला तो मैं गुरद्वारा साहब की प्रबंधक कमेटी जिहड़ी मौजूदा ते जिन्होंने हुण चार संभालना है बहुत वड्डी सोच इन्हां प्यार वालियां दी क्योंकि जिहड़ा आ पुरब है सांझे तौर उत्ते सारे इकट्ठे होके मनाउंदे ने खालसा सिरजना दिवस नूं समर्पित। सो सारी जिथे प्रबंधक कमेटी मौजूदा ते आउण वाली उत्थे सारियां संगतां नूं मैं खालसा सिरजना दिवस की बहुत बहुत वधाई देंदा हाँ और अरदास करदा जिस तरह साडे सैकटरी साहिबान ने आख्या है ये फायदा तां है जे असी अपना आने वाला समा सवार लैने वधाई का मतलब वधना अगाह वधदे हां। जे आप अगाह वधदे हां ते तां ही सानू इहदे च कोई फायदा है मुनाफा है और गुरु के पार प्यार वाले तुसी सतगुरां दे मुबारक चरणा च बैठे हो। मेरे भाजी इंदरजीत सिंह जी बैंस जिन्हां ने लंबा समा दशमेश दरबार सरी कनेडा विखे गुरु घर की सेवा एज ए स्टेट सैकटरी की जिन्हां ने बहुत सारे प्रचारकों संभाले है और दुनिया च प्रचार करन दे विच उन्होंने सहयोग किया वह भी आए ने अपने साथियों के नाल। मैं जूआ कहना हाँ जिहड़े वीर कनेडा तो भी आए ने भाजी करनैल सिंह किताबां वाले। मैं एक बेनती करदा मैं कल दीवान विच भी कीती संगत जी स्टाल लगे ने गुरु के प्यार वाले सेवा कर रहे ने करन वाले नूं वधाइयां वाहेगुरु ने भले उदम बख्शिश किए ने। बड़ी भीड़ है हर जगह उत्ते हर स्टाल उत्ते बड़ी भीड़ है पर मेरा कलेजा पड़ जाता जो किताबों वाले स्टाल उत्ते मैं किसी तरह की कोई भीड़ नहीं वेखदा। मैं हैरान हो गया वीर जी कह रहे सन भेटा रहत तुहाडा जी करदा कोई डालर पा जाओ जी करदा इदा ही लै जाओ पर फिर भी यह साड़ी त्रासदी है कि आपां इत्थों कोई किताब लैण वास्ते तैयार नहीं हाँ खरीदनी ते दरकनार। जे साडा इस पासों नाता जुड़ गया ना फिर आपां अपना आने वाला समा शायद संभाल ना सकी। इस करके मेरी बेनती है ये वडमुला खजाना लैके अपने बच्चों च उन्हां दे सामने पढ़िए उन्हां नूं भी चेतक पे कि सारा कुछ क्यों होया किवें होया ते कित्थे होया नहीं तो आने वाले समय च बहुत वड्डियां दुबदावां साडे च पै जाणगियां। खैर मैं बिना किसी देरी दे खालसा सिरजना दिवस कई बार आप कह दें विसाखी की वधाई कई विसाखी की संगरांद वाले दिन विसाख के महीने की शुरुआत हुई ये विसाखी के मेले पहला भी लगते सन गुरु अमरदास महाराज के वेले भी गोइंदवाल साहब की धरती देते विसाखी का जोड़ मेला लगता सी संगत इकट्ठत होंदिया सन पर यह जरा मुड़ के खालसा सिरजना दिवस का रूप धारण कर गए जिस तरह आप दिवाली को बंदी छोड़ते तब्दील कर दिता है पातशाह ने महान उपराला करके विसाखी के पुरब न खालसा सिरजना दिवस के रूप में एक ऐन मील पत्थर के तौर उत्ते साबित कर दिता है। तो मैं भी बेनती करदा कभी भुल के भी यह ना क्या करिए कि खालसे का जन्म दिहाड़ा आप मना रहे हैं जन्म नहीं जे खालसे का जन्म दिहाड़ा मना रहे हैं फिर मरण दिहाड़ा भी आ जाना है। यह गल का सानू ख्याल रखना चाहिए खालसा जन्मया नहीं खालसा प्रगटिया खालसा अकाल पुरख की फौज प्रगटियो खालसा परमात्म की मौज अकाल पुरख वाहेगुरु ने मौज चाण के साजिया वेद किवें बनी। मैं बेनती करदा लंबा समा लगा
200 ਸਾਲ ਦਾ ਪੀੜ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਮਜਮੂਨ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਏ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਗੇਟੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ, ਸੀਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੀਸ, ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਸ ਦਾ। ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਾਗੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੁੱਛਦੇ, ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਟੁੱਕਦੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੰਗਤ